I am Dr. Arushma Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. Today I am taking the topic Marketing Environment. A topic, DECOG Part 3rd paper, Principles of Marketing by Part 10. Marketing Environment, यानी हम इसको बोल सकते हैं विपणन का वातावरण. अब विपणन वातावरण की जब हम बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि अलग अलग रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कि अलग अलग घटकों में आर्थिक घटक हो सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ये सभी घटकों पर ही हमारा पूरा वातावरण बेस्ड है. अब ये सारे जो घटक होते हैं उस इकाई या संस्था के वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें कि प्रोडक्शन किया जा रहा है. प्रत्येक इकाई या संस्था को यह वातावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तथा उसे अपने आप को इस वातावरण की सीमाओं एवं चुनौतियों के अनुरूप ढालना पड़ता है. यदि अगर संस्था ये नहीं करे तो संस्था का अस्तित्व नहीं रह पाता है. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के मध्य में कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा रहता है. तो कॉम्पिटिशन में टिके रहने के लिए वातावरण संबंधी सभी घटकों का भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है. तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है या इसका अर्थ क्या है. तो वातावरण शब्द उन सभी घटकों के समूह को प्रकट करता है जो किसी भी इकाई के बाहर या आसपास विद्यमान होते हैं, और ये घटक सामान्यतः उस इकाई के नियंत्रण के बाहर होते हैं. तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी डेफिनेशन भी अलग अलग ली है. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं रॉबर्ट अल्बानीज़ी. उनके शब्दों में, किसी संगठन का वातावरण संगठन के बाहर की ज्ञात दशाओं, प्रभावों अथवा शक्तियों का समूह है जो उस संगठन के लक्ष्यों एवं कार्यों से संबंध रखती है. अ कंपनीज मार्केटिंग एनवायरनमेंट मे बी रिलेटेड विद द सिचुएशंस, कंडीशंस या इफेक्ट्स हो सकता है. सेकेंड डेफिनेशन हम लेते हैं रॉबिन्स की. रॉबिन्स के अनुसार वातावरण उन संस्थाओं अथवा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत ही कम नियंत्रण होता है. तो ये दोनों डेफिनेशन हमने देखी हैं, पहली रॉबर्ट अल्बानीज़ की और सेकेंड रॉबिन्स की. अब इनका अगर हम कंक्लूजन देखें तो ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की भी पावर्स हैं या शक्तियाँ हैं, कंडीशंस हैं जो कि उस संगठन की कार्यकुशलता एवं सफलता को प्रभावित करती हैं तथा जिन पर उस संगठन का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, तो उसे हम वातावरण कहते हैं. और यह वातावरण अगर मार्केटिंग के फील्ड में है तो हम उसे विपणन वातावरण का नाम दे सकते हैं. अनदर डेफिनेशन वी कैन टेक इज ऑफ कोटलर. कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार यदि हम देखें तो अ कंपनीज मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग दैट अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टेबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद टारगेट कस्टमर्स. इट मीन्स कि संस्था में जो विपणन वातावरण होता है उसमें विपणन के बाहर की वे सभी शक्तियाँ कारक सम्मिलित होते हैं जो लक्ष्य ग्राहकों के साथ सफल संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने की विपणन प्रबंध की योग्यता को प्रभावित करती है. दूसरी डेफिनेशन हम लेते हैं प्राइड एंड फेरल की. उनके अनुसार विपणन वातावरण में बाह्य शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी भी संगठन के संसाधनों, चाहे वे संसाधन मानवीय हैं, वित्तीय हैं, प्राकृतिक हैं, रॉ मटीरियल है, इन्फॉर्मेशन है, उनको प्राप्त करना और उत्पादों के सृजन को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करना ही विपणन वातावरण है. इसके अलावा डेफिनेशन हम लेते हैं क्रेवेंस की. क्रेवेंस के अनुसार विपणन वातावरण वह है जो विपणन प्रबंध कार्य के बाहर का है, जो सामान्यतः अनियंत्रित है, अनियंत्रण योग्य है और जो विपणन निर्णयन के लिए गर्भित रूप से प्रासंगिक है तथा जो परिवर्तनशील है, उसे ही हम विपणन वातावरण कहते हैं. तो यदि हम इन सब डेफिनेशंस का कंक्लूजन अगर देखें, जो हमने भी पांच डेफिनेशंस
संस्था के नियंत्रण से बाहर होते हैं। इन घटकों में हम आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, राजनीतिक घटक को सम्मिलित कर सकते हैं। साथ ही साथ परिस्थितियां भी हो सकती हैं, शक्तियां भी हो सकती हैं जिन पर कि विपणन प्रबंधक का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। तो हर एक मार्केटिंग मैनेजर को इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी नीतियों को बनाना पड़ता है, संस्था की नीतियों को बनाना पड़ता है, साथ ही साथ मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज भी करना पड़ता है, प्रोडक्ट लाइन भी उसमें बनाई जा सकती है। तो ये हमारा टॉपिक था मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। इसके बाद अगर हम देखें तो विपणन वातावरण की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, ये नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ। तो नेचर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट या विपणन प्रबंध के वातावरण की प्रकृति। तो सबसे पहले जैसे कि आप देखा ही है कि विपणन वातावरण गतिशील है, डायनेमिक को है, बिकॉज इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे जैसे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो संस्था की नीतियाँ होंगी उनमें भी चेंज आता रहेगा। तो सबसे पहला नेचर इसका है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज ऑफ डायनेमिक नेचर। सेकेंड आता है आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दोनों ही तरह का हो सकता है। जो आंतरिक वातावरण होता है उस पर तो संस्था काफी कुछ कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जो बाह्य वातावरण है उस पर संस्था का नियंत्रण नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो ओपन एंड है, क्लोज एंड है। इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पार्ट मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हम ले सकते हैं भौगोलिक सीमा या ज्योग्राफिकल लिमिट। तो हर एक मार्केटिंग मैनेजर जब बाह्य वातावरण की भौगोलिक सीमा को देखता है तो उसमें अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार वह या तो संकुचित हो जाती है या विस्तृत हो जाती है। जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग में विस्तृत भी हो सकता है और साथ में संकुचित भी हो सकता है। तो ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नेचर के आप इसमें देखे हैं।